अकेला सिराज सब पर भारी, काम ना आई पंत और हेटमायर की पारी। भारी दबाव के बावजूद सिराज ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ यॉर्कर पे यॉर्कर डालते हुए मैच का रुख ही पलट दिया। जहां एक ओवर लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत जाएगी, लेकिन सिराज ने बेहतरीन शुरुआती तीन गेंदों में अच्छे यॉर्कर डालकर सिर्फ 2 रन दिए। आखिर में 2 चौके जरूर लगे और आरसीबी यह मैच 1 रन से जीत गई। कप्तान कोहली भी काफी खुश दिखे। रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने 1 रन से जीत हासिल की और वह पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है। जी हाँ, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल से मैच आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि जिस अंदाज में हेटमायर और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, आरसीबी के गेंदबाजों को रोकना मुश्किल हो रहा था। इस मैच में मोहम्मद सिराज ने भारी दबाव के बावजूद आखिरी ओवर में अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया। हालांकि ऋषभ पंत और हेटमायर के अर्धशतक के बाद मैच ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथ से फिसल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कप्तान कोहली ने अपने भरोसेमंद गेंदबाज सिराज को आखिरी ओवर डालने के लिए चुना। कप्तान कोहली की उम्मीदों पर खरे उतरे सिराज और शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 14 रन को डिफेंड कर लिया। हालांकि आखिरी 2 गेंदों पर ऋषभ पंत ने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन तब तक सिराज अपना काम कर चुके थे। उन्होंने शुरुआत की 3 गेंदों में मात्र 2 रन दिए थे। आपको क्या लगता है सिराज ने किस तरह की गेंदबाजी की है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और फैंस यह मांग भी कर रहे हैं कि सिराज को वर्ल्ड T20 में शामिल किया जाए, क्योंकि आखिर में जब बुमराह गेंदबाजी करते तो उनके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए। हालांकि भुवनेश्वर कुमार भी हैं, लेकिन अगर ये 3 गेंदबाज हो और साथ में शामी हो और नटराजन भी हो, तो टीम इंडिया की गेंदबाजी में काफी धार हो जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।